नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इसमें सभी लोग जो हैं अपने मदर लैंग्वेज, जैसे कि हमारी मातृभाषा जो है, उसके परिप्रेक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस दिवस का यह महत्व हमारे लिए है कि हम जो भी भाषाएँ बोलते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह इसी लैंग्वेज के ही आधार पे होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में हिंदी बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, इसी तरह साउथ में, साउथ इंडियन में बहुत सारे लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है। और इसको एक तरह से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हम जहाँ पैदा हुए, हमारी वो लैंग्वेज, हमारी भाषा हमको ज़्यादा समझ में आती है अदर लैंग्वेज के मुकाबले। इसीलिए हम लोग अपनी माँ को जिस तरह से पूछते हैं, या मदर को अपनी जिस तरह से पूछते हैं, उसी तरह हमें अपने मदर लैंग्वेज को भी समझना होगा। क्योंकि कुछ जगह ऐसा है कि लोग अपनी मदर लैंग्वेज से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जब वो दूसरे देशों में चले जाते हैं तब उसे अपना महत्व समझ में आता है। जब कोई अपना भाई या सहपाठी मिलता है अपने ही देश का, तो उसे अपनी मदर लैंग्वेज का भाषा समझ में आ जाता है कि हाँ, कितना वो हमारे लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जिसे हम बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं जब कोई हमारा प्रांतीय भाई हमसे मिलता है अपने ही देश से बाहर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।